बता दें कि बैंकों से कैश लेन देन अब महंगा हो गया है। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में 4 मुफ्त लेन देन के बाद हर बार 150 रुपए न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। ये नियम 1 मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन में कमी और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। आप केवल 4 बार ही अपने बैंक खातों में पैसे निकाल पाएंगे या जमा कर पाएंगे। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्ज चुकाना होगा, यानी हर 5वें या 6ठे ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक फीस चुकानी होगी और इसमें कैश डिपॉजिट और निकासी दोनों ही शामिल है। यानी अपने बैंक ब्रांच से पैसे निकालना या फिर जमा कराना अब आपको महंगा पड़ेगा। तो कैश जमा और निकासी पर नए नियम के तहत HDFC बैंक 4 ट्रांजैक्शंस तक ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेगा, लेकिन इसके बाद अगर 5वीं ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो ग्राहक को हर 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए प्रति 1,000 रुपए पर 5 रुपए फीस चुकानी होगी, जबकि 150 रुपए न्यूनतम फीस इसमें चुकानी होगी। इसके साथ ही HDFC बैंक के ग्राहक हर महीने अधिकतम 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट या निकाल सकते हैं। इसके बाद हर 1,000 रुपए के लिए 5 रुपए आपको चुकाने होंगे। नॉन होम ब्रांच के लिए ये सीमा प्रतिदिन 25,000 रुपए है। वहीं ICICI बैंक भी 4 ट्रांजैक्शन के बाद फीस वसूलेगा। फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा पार होने के बाद ICICI बैंक हर 1,000 रुपए पर 5 रुपए फीस वसूलेगा। बैंक की न्यूनतम चार्ज 150 रुपए होगी। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ भी फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 5 रखी गई है। 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट या निकासी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद ये सीमा पार होती है तो 5 रुपए प्रति 1,000 के हिसाब से आपको चार्ज देने होंगे। एक्सिस बैंक के न्यूनतम चार्ज 150 रुपए होंगे।